Assalamualaikum, welcome to CMLO quantity surveyor course lesson number 3 how to calculate quantity cement sand in cluster. Mera jo wet volume hai uski length hai 5 meter, height 4 meter, thickness 1.25 cm. To pehle centimeter ko meter mein convert karenge, to iske liye centimeter 1.25 ko taqseem karenge 100 pe. तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.0125 मीटर होगा. तो इन सबको अपन में डिवाइड करेंगे, हमारा वाले माफ फैट वाले में आ जाएगा 0.25 क्यूबिक मीटर. वाटर रेशियो हमारी है 1:4, सम ऑफ रेशियो है 1+4=5, ड्राई वॉल्यूम इज 1.33 मोर देन वेट वॉल्यूम इन 2:1 ऑफ कंक्रीट. सो वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने वेट वॉल्यूम को ज़रब करेंगे 1.33 से. तो ये हमारा आंसर आएगा 0.3325 क्यूबिक मीटर. तो सीमेंट और सैंड इसमें हमें मालूम करनी है 2:1 में. तो इसके लिए पहले सीमेंट मालूम करते हैं. तो सीमेंट मालूम करने के लिए जो हमारा ड्राई वॉल्यूम होगा उसको हम ज़रब करेंगे सीमेंट के रेशो से, तकसीम करेंगे सम ऑफ रेशो. तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 0.0665 क्यूबिक मीटर. बैग्स निकालने के लिए हम ज़रब करेंगे 28.8 बैग्स. ये 28.8 बैग्स, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे एक क्यूबिक मीटर में कितने सीमेंट के बैग होते हैं, ये कैसे निकलते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ बताया है. तो इसके अब इसको ज़रब करेंगे 28.8 बैग्स है, तो हमारे बैग आ जाएंगे 1.92 बैग. और सैंड है, सैंड का भी वही तरीका है. बस सैंड मालूम करने के लिए वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम ज़रब सैंड रेशो तकसीम सम ऑफ रेशो, हमारा आंसर आएगा 0.266 क्यूबिक मीटर. और क्यूबिक मीटरों को क्यूबिक फुटों में कन्वर्ट करने के लिए ज़रब करेंगे 35.3147 से. ये हमारे एक क्यूबिक मीटर में 35.3147 क्यूबिक फुट होते हैं. तो ये आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9.39 क्यूबिक फीट, ये हमारी सैंड आ गई.